हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कर्मा इज अ बिच। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज कर्मा को पूरे 64 डेज कंप्लीट हो गए हैं। एंड आज इसने खोदना करना, दिस इज अ नेस्टिंग बिहेवियर इन अ डॉग। एंड अभी बैठ गई अपने वेल्पिंग बॉक्स के अंदर। एंड इस वीडियो में जैसा आप देख सकते हैं, कर्मा को मैं वॉक वगैरह पे लेके जा रही हूँ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपका डॉग प्रेग्नेंट है और लास्ट स्टेज पे है, तो आप इसको ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी वो थोड़ी थोड़ी वॉक कराएं, जिससे कि क्या इसको डिलीवरी के टाइम पे और इस टाइम पे आज ज्यादा थर्टी प्रॉब्लम फर्स्ट नहीं ऑफ हो। दिसंबर है एंड अब कर्मा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हाफना स्टार्ट कर दिया। दिस इज पेंटिंग बिहेवियर कि मतलब डॉग लेबर में जा रहा है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, वेल्पिंग बॉक्स के अंदर कर्मा बार बार अपना नेस्टिंग बिहेवियर बता रही है, खोद रही है, बिकॉज शी इज रेडी टू गिव बर्थ नाउ। मतलब जल्द से जल्द बच्चे देने वाली है ये। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये खोदना करना इसने चालू कर दिया है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में डॉग बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। एंड इसका सुबह 6:30 अराउंड, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, वाटर ब्रेक हो गया है। और वाटर ब्रेक का मतलब अब थोड़ी देर के अंदर अंदर डॉग बच्चे देने वाला है। बहुत ज्यादा पूरी रात निकाल ली इसने, इसलिए आराम से बहुत ज्यादा परेशान हुई है। ये देख ही सकते हैं आप, जैसे इसने कॉन्ट्रेक्शन दिया है। लगाएगी प्रॉब्लम ये आई कि जो उसका फर्स्ट बेबी था, ना फिर जो निकलेगा। कि मैंने फुल ट्राई किया, बहुत देर हो गई, क्योंकि वाटर ब्रेक होने के बाद में डॉग को 2, 3, 4 घंटे 5 घंटे के अंदर अंदर डिलीवर कर देना चाहिए। लेकिन कर्मा ने इतना ज्यादा पुश किया, स्टिल देखा मैंने कि भाई ये बच्चा निकल ही नहीं रहा था बाहर। इट मीन्स कि इसको स्टक की प्रॉब्लम हो गई है, पपी स्टक हो गया है इसके अंदर। इसके बाद स्टिल मैंने थोड़े टाइम वेट किया, थोड़ा ट्राई किया कि चलो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। काफी डॉक्टर्स ने बोला कि इसको दवाई ऑक्सीटॉक्सिन लगा सकते हो आप, कुछ अलग इंजेक्शन वगैरह। मैंने सोचा कि नहीं, नेचुरल डिलीवरी होनी चाहिए डॉग की, क्या पता कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ नहीं हो। बट डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इस टाइम पे क्या ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसमें कि क्या करता है, डॉग अपनी पूरी जो बच्चेदानी होता है वो बाहर आ जाती है उसके, और बच्चे इजिली निकल जाते हैं। अब ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकते, हाँ, पर ये स्टक बिहेवियर का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि पिछली बार जब डिलीवरी दी थी कर्मा ने, सारे एकदम नॉर्मल तरीके से डिलीवर कर दिया था। इसके बाद थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट में मैंने देखा कि भाई इसकी जो ये थैली, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये भी ब्रेक हो गई थी, और जो बेबी का मुंह था वो बाहर दिखने लग गया। मैं सीधा इसको हॉस्पिटल लेके गई, और ये देखिए, इसने डॉक्टर ने ये क्या दूसरा किया, बेबी आ इसको गया है फटाफट इसका। से कर्मा को कॉन्ट्रेक्शंस दे उसको रही है। निकाला बाहर, लेट्स सी। अपना मतलब ऑब्वियसली ग्लव्स वगैरह लगा के बाहर निकाला। एंड मैं इतना ज्यादा खुश हुई, इतना ज्यादा खुश हुई। और जैसे कि देख सकते हैं आप, धीरे 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 करके पहले एक मेल आया, फिर दूसरी फीमेल आई, फिर तीसरा मेल आया। मैंने देख सकते हैं रिबिन्स डाल दिए, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे दिखते हैं, तो मैंने सब कुछ रेडी करके रख रखा था घर में। अभी एंट्री दी है मैंने, अभी बुल्लू को देखी किस तरीके से मिल रही है कर्मा से। कर्मा ये सोच रही है भी कहाँ चल चली गई थी, कहाँ चलो लेके चलो आई चलो ये, कहाँ चलो से आई चलो है चलो ये। फिर इसका जैसी चलो वेल्पिंग बॉक्स चलो था, चलो वापस मैंने इसको पूरा रेडी करके, इस तरीके से मैंने इस बार कर्मा की डिलीवरी हुई है। लेकिन मेरे सभी से ये है कि कभी भी आपको डॉग को कभी भी ऐसा लगे कि नहीं, अब डिलीवर नहीं कर पा रहा है डॉग, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, काफी टाइम हो गया वाटर ब्रेक हुए हुए, इमीजिएटली आप डॉक्टर की हेल्प लीजिए। और ये इस तरीके से इस बार की डिलीवरी हुई है। ये कर्मा सुबह सो रही थी एंड इसकी वीडियो बनाई है। सारे बेबीज टच वुड सारे हेल्दी हैं, सारे के सारे एकदम अच्छे हैं, काफी हेल्दी हैं। और हाँ, एक और रीजन था इसके स्टक होने का कि डॉक्टर बोले कि बच्चे बहुत हेल्दी हैं, इस वजह से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है, नेचुरल है। बट मेरी एडवाइस ये है कि कभी भी आपको लगता है कि नहीं, अब हमको कुछ दिक्कत आ रही है, वाटर ब्रेक हुआ हुआ 4-5 घंटे हो चुके हैं, स्टिल कॉन्ट्रेक्शन दे रही है, और बेबी यहां तक, जैसे कि मैंने, आपने देखा कि मैंने उसके उस पार्ट में चेक किया था कि आ गया है बेबी, एंड स्टिल उसको एक एक घंटा हो गया है, नहीं दिया डिलीवर, तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 आप इस समय डॉक्टर की हेल्प लीजिए। आज बेबीज को पूरे 24 आवर्स हो गए हैं। कर्मा को अच्छा खिला पिला दिया है, गुड़ हलवा सब खिला दिया। अब कर्मा ट्रीट मांग रही है सुबह से, तो ये रही कर्मा की ट्रीट। कर्मा चाहिए आपको, तो ध्यान से सुनना, इसकी आवाज आएगी मांगते हुए।
अच्छा, ले ले। ले। और ये रही बुलू। हाँ नहीं, कोई नहीं ले रहा तेरी ट्रीट, गुस्सा मत कर। कमो, कोई ले रहा है तेरी ट्रीट? हाँ, इसकी गुस्सा कर रही, कोई नहीं ले रहा इसकी ट्रीट। नहीं आ रही, नहीं आ रही बुलू, नहीं आ रही, नहीं आ रही बुलू। बच्चू बुलू, नो पहले स्पीक करके दिखाओ। बुलू स्पीक करो पहले। हाँ मियो बाबू, स्पीक करो। स्पीक। लो चावाज। एंड गाइस, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है आप सबके साथ। एंड अगर आपको पसंद आई वीडियो और मैं और वीडियोस ऐसी देखना चाहते हैं, प्लीज 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 सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। एंड थैंक यू।